सपा नेता पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य आज देवरिया पहुंचे और नंद पैलेस में सपा कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। उसके बाद मौर्य ने स्नातक चुनाव तैयारियों का जायजा लिया और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और स्नातक चुनाव जीतने का टिप्स दिया। वहीं मीडिया के सवालों में कहा कि सपा के सामने बीजेपी के परक्चे उड़ जाएंगे। लोकसभा 2024 का चुनाव बीजेपी के विदाई का चुनाव है। वहीं बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह पर लगे आरोपों के मामले में कहा कि भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह को कुश्ती महासंघ अध्यक्ष से तत्काल हटाना चाहिए। जनता ने इन्हें यौन शोषण के लिए नहीं चुना है बल्कि सम्मान के लिए चुना है। बृजभूषण सिंह को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का निगाह तो मैनपुरी पर भी था, लेकिन लगभग 3 लाख रिकॉर्ड मतों से हारे वहां पर। तो समाजवादी पार्टी की आंधी के सामने भारतीय जनता पार्टी की परखचे उड़ जाएंगे, कहीं भी इनकी दाल गलने वाली नहीं है। और अभी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में 3 सीटों में से 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने बड़े वोटों के अंतराल से जीत दर्ज की है। 1 सीट रामपुर की इस भाजपा सरकार कैसे जीती है ये पूरा देश और पूरा दुनिया देखा है, जानता है। रही बात आगे भी जो भी चुनाव होंगे, समाजवादी पार्टी एक एक सीट जीतने के लिए लड़ेगी। रही बात 2024 लोकसभा का चुनाव, वो भाजपा की विदाई का चुनाव होगा। मंत्री जी क्या कहते हैं भाजपा के नेता? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्य है कि विनेश फोगाट अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन एथलीट रही हैं। जंतर मंतर दिल्ली में उनके नेतृत्व में महिला एथलीटों का धरना चल रहा है और उन्होंने कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर जो आरोप लगाए हैं बहुत ही संगीन है, बहुत ही गंभीर है। सरकार को उसको तत्काल संज्ञान लेकर के महिला खिलाड़ियों को तत्काल न्याय दिलाने की कोशिश करनी चाहिए और गंभीर कार्रवाई करते हुए तत्काल ऐसे महत्वपूर्ण पद से, अध्यक्ष के पद से उन्हें तत्काल हटाना चाहिए जिस पर हमारी महिला एथलीटों ने यौनाचार का आरोप लगाया। उनका ये कहना कि मैं पद नहीं छोड़ूंगा जब तक जनता ने मुझे उसे चुना है, मैं छोड़ूंगा नहीं इस पद को। देखिए, जनता ने यौन शोषण के लिए उनको नहीं चुना है, खिलाड़ियों के संरक्षण के लिए चुना। विशेष रूप से एक और हम नारी सम्मान की बात करते हैं, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, बेटियों को हम देवी मानते हैं और वही बेटियां आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रतिभा से देश का नाम रोशन कर रही हैं, तो उनको यौनाचार का शिकार बनाया जाए, हम समझते बड़ा घिनौना कृत्य है। थोड़ी भी मर्यादा और नैतिकता है तो इनको तो स्वतः इस्तीफा दे देना चाहिए। इस प्रकार के आरोप अपने आप में बहुत गंभीर हैं, उसको देखते हुए पद पर बने रहना हम समझते हैं ये एक उचित सोच है, इसके सिवाय कुछ नहीं।